उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक एक दिवसीय अंबेडकर नगर के दौरे पर थे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी सरिता गुप्ता के लिए वोट की अपील करने आए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अनिल मिश्रा भाजपा में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी अगर वोट मांगने आए तो उन्हें कहना कि आपने विकास ही क्या किया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि जब सपा सरकार थी तब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज योगी जी की सरकार में हमारी बहन बेटी योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। खुलेआम मर्डर हो जाते थे। आज मैं कह सकता हूँ माफियाओं के मन में कानून का भय है। कई माफिया तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, गिरफ्तार कर लो, अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, अराजकता नहीं करेंगे। ये वही स्टेट है जहां सपा सरकार में 1000 से अधिक दंगे हुए, पूरी तरह से कानून को अपनी जेब में रख करके गुंडे माफिया सड़क पर घूमते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो और भी आतंक मचा के रखा था। कोई खाली प्लाट मकान दुकान पड़ा है, सपा के लोग कब्जा करने का काम करते थे, नारा लगाते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, कब्जा करने का काम करते थे। हमारी बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। हमारी बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, हम लोग रिश्तेदार के यहां दूर भेज देते थे। अंबेडकर नगर के हमारे भाई बहन जानते होंगे, एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। जब नाते रिश्तेदार आते थे पूछते थे दिन की बत्ती है कि रात की। सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटा बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बिजली की कोई कमी नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम नंबर 1 पर है पूरे देश के पैमाने पर। कानून व्यवस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके